टुडे वी विल स्टार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज आपको हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उन प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान से समझिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ थ्री, ऑल मल्टीपल ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100। 1 और 100 के बीच के सभी 3 के मल्टीपल नेचुरल नंबर का सम ज्ञात करना है। तो 3 का मल्टीपल, तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 ने ऑफ 3 बिटवीन 1 and 100, 3 से डिवाइड होने वाले, 3 का मल्टीपल, 3 1 या 3, 3 2 या 6, 3 3 या 9, सो ऑन। लास्ट में आप 100 के 1 और 100 बिटवीन 1 and 100, तो 100, तो लास्ट नंबर क्या आएगा आपका 99, लास्ट नंबर 99। ये 3 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, जो 3 का मल्टीपल है यानी 3 से ये सभी डिवाइड हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या आ गया, फर्स्ट टर्म इक्वल 3, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म इक्वल a इक्वल 3 सेकेंड टर्म a2 इक्वल 6। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल क्या होगा, a2 माइनस a1, तो a2 6 माइनस 3 इक्वल 3। और आपका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट l इक्वल हो जाएगा 99। तो आपको निकालना है सब, तो पहले हम n प्राप्त कर लें, नंबर ऑफ टर्म्स प्राप्त कर लें, इसके बाद इसको समझाते हैं। l इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल n। तो आपका a क्या दिया गया है, 6, a आपका 3 होगा, 3 इक्वल 3, a इक्वल 3 प्लस n माइनस 1 डी 3 इक्वल l, लास्ट टर्म क्या है 99, लास्ट टर्म 99। आगे क्या आ जाएगा आपका, इसको ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल 99 माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल 96। 3 का इधर मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोजिंग करेंगे तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका n माइनस 1 इक्वल 96 अपॉन 3। तो 3 1 या 3, 3 3 या 9, 3 2 या 6, तो n माइनस 1 इक्वल 32, देयर फोर n इक्वल 32 प्लस 1 इक्वल 33। तो कितने आएंगे, 3 से डिवाइड होने वाले 1 and 100, बिटवीन 1 and 100 नंबर्स कितने होंगे, 33 नंबर। तो आपका n आ गया इसमें यानी 3। अब आपको sn ज्ञात करना है, इक्वल n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, sn इक्वल n अपॉन 2 a प्लस l, तो sn की वैल्यू क्या दी गई है, 33 इक्वल 33 अपॉन 2 इंटू a 3 प्लस l 99। तो 33 अपॉन 2 इंटू 102,
टू वन जा टू, टू फाइव जा टू वन जा, तो 33 वन जा 33, कैरी ऑन 3, 33 फाइव जा 165 और 3 क्या है 68, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 and 50। द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर, ऑड नंबर आप जानते हो कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो ऑड नंबर कहलाती हैं। तो आपको 50 तक के ऑड नंबर लिखिए पहले। तो ऑल द ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50, 0 वन थ्री फाइव सेवन सो वन, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 49। वन थ्री फाइव सेवन, ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या आ गया, फर्स्ट टर्म इक्वल ए वन इक्वल ए इक्वल वन, सेकेंड टर्म ए टू इक्वल थ्री, तो कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन, कॉमन डिफरेंस क्या होगा ए टू माइनस ए वन, तो ए टू क्या है 3 - 1 = 2 डी आ गए एडी। अब हम इसके माध्यम से हम एन प्राप्त कर लेंगे, डी इक्वल टू एल इक्वल 49 और हमें क्या ज्ञात करना है एस एन फाइंड आउट करना है। एल इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, एल इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, आर इसको ऐसे लिख सकते हैं आर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल एन। ए आपका क्या दिया गया है फर्स्ट टर्म वन, तो यहाँ ए के स्थान में वन लिख देंगे, एन माइनस वन इंटू डी टू, लास्ट टर्म क्या है 49। अब ट्रांसपोजिंग कर देंगे, ट्रांसपोजिंग करने पर सिंबल चेंज हो जाते हैं, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, प्लस वन है तो माइनस वन हो गया। एन माइनस वन इंटू टू इक्वल 49 माइनस वन, तो यहाँ एन माइनस वन इंटू टू इक्वल 48। अब इधर 2 का मल्टीप्लाई है तो इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 4 8, एन माइनस वन इक्वल 24, देयर फोर एन इक्वल 24 प्लस वन इक्वल 25, तो एन आपका प्राप्त हो गया क्या एन इक्वल 25, एन इक्वल 25, तो फाइंड आउट एस एन आपको फाइंड करना है, तो एस एन इक्वल एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, तो एन आपका क्या दिया गया है यस 25, तो 25 बाई टू इंटू ए दिया गया है 1 प्लस एल दिया गया है 49, तो 25 बाई 2 इंटू 50, तो 2 1 2 225 2 50, तो 25 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 625, ये आपका आंसर हो गया। फाइंड द
द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सेकंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। क्या ज्ञात करना है आपको? सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, 51 टर्म्स आपको फाइंड करना है, जिसका जो है सेकंड टर्म, लेट टर्म इक्वल ए वन इक्वल ए, सेकंड टर्म ए टू, सेकंड टर्म ए टू। फाइंड द सेकंड टर्म 14 एंड द थर्ड टर्म ए टू इक्वल 14, सेकंड थर्ड टर्म इक्वल ए थ्री इक्वल 18। तो आपको कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस इक्वल डी। और इसमें ए वन तो दिया नहीं है, तो ए थ्री माइनस ए टू कर देंगे, ए थ्री माइनस ए टू, तो डी इक्वल क्या जाएगा आपका 18 माइनस 14 इक्वल 4। डी इक्वल क्या जाएगा? डी इक्वल 18 माइनस 14, ए थ्री माइनस ए टू इक्वल 4, तो डी इक्वल ए टू माइनस ए वन। आर इसको लिख सकते हैं ए टू माइनस ए वन इक्वल डी। तो ए टू, ए टू की वैल्यू क्या दी गई है 14 माइनस ए वन ए, और डी कितना आया है 4, तो आपका क्या आ जाएगा आगे, माइनस ए इक्वल 4 माइनस 14, तो माइनस ए इक्वल माइनस 10, माइनस ए इक्वल माइनस 10, देयर फोर ए इक्वल, दोनों तरफ के माइनस कैंसिल, तो ए इक्वल 10, माइनस ए इक्वल माइनस 10, तो देयर फोर ए इक्वल 10 हो गया। अब आपको निकालना है क्या, एस 51, एस 51 इक्वल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन आपका क्या दिया गया है 51 अपॉन टू, टू ए टू इंटू टेन प्लस एन 51 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या दिया गया है आपका 4। एस 51 इक्वल 51 अपॉन 2 इंटू 10 टू या 20 प्लस 10 टू 4। अब नेक्स्ट 51 बाई 2 20 प्लस 5 4 या 20 200, तो 51 बाई 2 इंटू 220, 210 आ गया, 0610। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो एन टर्म्स आपका फर्स्ट 7 टर्म्स का टोटल दिया गया है 49 और 17 टर्म्स का दिया है 289, तो आपको एन टर्म्स का, एन टर्म्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट, क्या मान ले हम, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल, और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल डी, कॉमन डिफरेंस इक्वल डी। इन फर्स्ट कंडीशन में दिया है 7 टर्म्स ऑफ एपी, द सम ऑफ 7 टर्म्स। तो फर्स्ट कंडीशन में, इन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में आपका दिया गया है क्या,
द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स एस सेवन इक्वल क्या हो जाएगा, एस सेवन दिया गया है क्या है आपका 49 और एस सेवन इक्वल 49 दिया गया है, एस सेवन इक्वल 49 और सेकंड कंडीशन में दिया गया है, सेकंड कंडीशन में क्या था 3 टर्न तो एस 17 इक्वल दिया है 289। तो आपको एस एन ज्ञात करना है, फाइंड द एस एन ये आपको ज्ञात करना है। 10 upon 2 into 2a plus n minus 1 into b ये आपका फार्मूला होता है, एस एन इक्वल एन अपॉन टू ब्रेकेट में 2a plus n minus 1 into d। तो एस सेवन है तो एस सेवन इक्वल एन अपॉन एस सेवन इक्वल 7 upon 2 जहाँ एन होगा यहाँ लिख देंगे 7/2 और ये क्या आ गया 2a plus 7 minus 1 into d। और एस एन कितना दिया गया है, एस सेवन की वैल्यू दी गई है 49, एस सेवन इक्वल 49 तो यहाँ हो जाएगा आपका 49 इक्वल 7/2 into 2a plus 7 में 1 सब्टेट कर दोगे क्या आएगा 6d तो 49 इक्वल 7/2 into 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा a plus 3d तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 49 इक्वल 7 into a plus 3d और a plus 3d इक्वल हो जाएगा 49/7 ये डिवाइड हो जाएगा 7 7 49 तो क्या आ जाएगा आपका a plus 3d equal 7 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एस एन इक्वल एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एस एन यहाँ सेकेंड कंडीशन में क्या दिया गया है एस एस 17 तो 17/2 into 2a 2a plus n minus 1 तो एन 17 minus 1 into d तो एस 17 की वैल्यू क्या दी गई है 289 17/2 यहाँ इक्वल लिख देंगे और ये 2a plus 16d अब 2 कॉमन ले लेंगे इसमें तो 289 इक्वल 17/2 into 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा a plus 8d तो 2 कैंसिल हो गया therefore a plus 8d इक्वल 289 अपॉन 17 17 से इसको डिवाइड कर दोगे 17 आ जाएगा तो a plus 8d इक्वल 17 ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व द अनसॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड और अनसॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है a plus 3d इक्वल 7 सेकेंड है a plus 8d इक्वल 17 इसको जो है सिंबल चेंज करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग सिंबल चेंज हो जाएंगे प्लस है तो माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया माइनस इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आएगा 5d 8 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए और यहाँ माइनस 10 देयरफॉर d इक्वल -10/-5 तो माइनस से माइनस कैंसिल 5 1 5 2 10 तो d इक्वल 2 अब d की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वेशन फर्स्ट में आप d की वैल्यू को पुट कर देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है a plus 3d equals 7 तो d की वैल्यू क्या आई है 2 तो a plus 3 into 2 equals 7
तो यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस थ्री टू जा सिक्स इक्वल सेवन, तो a इक्वल क्या आ जाएगा, सेवन माइनस सिक्स, देयरफॉर a इक्वल वन, a इक्वल वन। तो आपको क्या याद करना है, n, तो एस एन इक्वल क्या होता है, एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन आपका एन ही है, एन अपॉन टू, यहाँ टू इंटू ए दिया गया है वन प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या दी गई है टू, तो एन अपॉन टू इंटू टू वन या टू प्लस टू कैसे मल्टीप्लाई, टू एन माइनस टू वन या टू, तो प्लस माइनस टू कैंसिल हो गए, यहाँ क्या गया एन अपॉन टू इंटू टू एन, तो टू टू कैंसिल इक्वल एन स्क्वायर, एस एन इक्वल एन स्क्वायर। आप वहाँ भी देखे थे सेवन टाइम्स का स्क्वायर, एस है सेवन इक्वल था फोर्टी नाइन, सेवन सेवन या फोर्टी नाइन, यस सेवनटीन इक्वल टू हंड्रेड एट्टी नाइन, तो यस एन इक्वल तो इसका जो है स्क्वायर हो गया, तो सेवन सेवन या फोर्टी नाइन, सेवनटीन सेवनटीन में मल्टीप्लाई टू हंड्रेड एट्टी नाइन, तो एन में करोगे तो एन स्क्वायर ही आएगा, ये आपको पहले से पता हो जाना चाहिए। तो इसी प्रकार इसमें एन स्क्वायर आपको प्राप्त हुआ। आज बस यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।